हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रूव करेंगे बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा या अल्फा इज इक्वल्स टू 1 ओवर 3 बीटा। मैं हूं ताहिर अली और आप हैं फिजिक्स विद ताहिर के साथ। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये कह रहा है कि हमारे पास लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल बॉक्स। एक हम क्यूबिकल बॉक्स कंसीडर करेंगे जिसके पास क्या होगी, जिसके पास लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, हाइट भी होगी। ये एक क्यूबिकल बॉक्स है। इस क्यूबिकल बॉक्स की जो हाइट है वो h1 है, इसकी जो लेंथ है l1 है और इसकी जो विड्थ है वो w1 है और इसके पास जो टेम्परेचर है इनिशियल टेम्परेचर t1 है, ठीक है ना। जब हम इस क्यूबिकल बॉक्स को क्या करेंगे, हीट अप करेंगे तो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर चेंज होने से इसका वॉल्यूम भी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो इसकी हाइट क्या हो गई h2, इसकी लेंथ क्या हो गई l2 और विड्थ क्या हो गई w2 और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा t2, ठीक है। तो हीट चेंज करने से टेम्परेचर चेंज होता है। जब हम किसी भी क्यूबिकल बॉक्स को हीट करेंगे, ठीक है ना, या सॉलिड मटेरियल के क्यूबिकल बॉक्स को हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इस वॉल्यूम का फार्मूला, ओरिजिनल वॉल्यूम इसका क्या है, V1 इज इक्वल्स टू L1 W1 H1। जब हम इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसके वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा V2 इज इक्वल्स टू L2 W2 H2, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया तो V2 का फॉर्मूला रखेंगे, V2 इज इक्वल्स टू L2 W2 H2। हमने पढ़ा हुआ है कि लीनियर एक्सपेंशन जो L2 का फॉर्मूला होता है, L2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, लीनियर एक्सपेंशन में। तो सेम एज L1 जो है, L2 जो है वो लेंथ है, W2 भी क्या है, लेंथ है। तो W2 का फार्मूला क्या होगा, W2 इज इक्वल्स टू W1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सेम एज I2 का फार्मूला क्या होगा, H1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ओके, वॉल्यूम टू का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम टू का फार्मूला है V2 इज इक्वल्स टू L2 W2 H2। ओके, V2 इज इक्वल्स टू L2 की जगह पे रखेंगे, L2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर, L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और W2 की जगह पे क्या रखेंगे, W1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और H2 की जगह पे क्या रखेंगे, H1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अभी तीनों को मल्टीप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू L1 W1 H1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब, ठीक है ना। तीन है तो हर एक के पावर, एक के ऊपर क्या है, पावर 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 3 हो गया। L1 W1 H1 किसके बराबर होता है, ये V1 के बराबर होता है, ये क्या हो गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब। अभी हम एक फार्मूला पढ़ के आए a प्लस बी होल क्यूब का, a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ पे जो 1 है उसको हम कंसीडर करेंगे a और जो ये अल्फा डेल्टा टी है उसको b कंसीडर करेंगे। तो ये v2 सेम इज इक्वल्स टू v1 a क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब 1, ओके, प्लस 3 a का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है ना, और b क्या है, अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 मतलब 3, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, बी क्यूब मतलब अल्फा क्यूब
डेल्टा टी क्यूब। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो अल्फा है, अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव में होता है, स्मॉल होता है, ठीक है ना। अगर अल्फा के ऊपर जो होगा स्क्वायर आ जाएगा, स्मॉल के ऊपर स्मॉल और स्क्वायर आ जाएगा तो और स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाई पावर जो होंगे, हाई पावर होंगे वो हम क्या करेंगे, निगलेक्टेड करेंगे, क्योंकि उनका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो के बाद। तो यहाँ से जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाएंगे वो वी टू इज इक्वल टू किसके बराबर बच जाएगा, वी वन वन प्लस थ्री अल्फा डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, V2 किसके बराबर होता है, V2 इज इक्वल्स टू V1 1 प्लस बीटा डेल्टा T के बराबर होता है। अभी हम क्या करेंगे, अगर हम जो है V2 की जगह पे ये वैल्यू प्लेस करेंगे, तो V2 की जगह पे वैल्यू प्लेस करेंगे तो V1 ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा T और इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया, V1 वन प्लस बीटा डेल्टा टी के बराबर। ये वी वन कैंसिल, वन और वन कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये थ्री अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बीटा के, या बीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू थ्री अल्फा के बराबर हो जाएगा। अगर हम अल्फा निकालना चाहें तो अल्फा इज इक्वल्स टू वन ओवर थ्री बीटा के बराबर हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा, ठीक है ना। हमने प्रूव करना था बीटा इज इक्वल टू थ्री अल्फा या अल्फा इज इक्वल टू वन ओवर थ्री बीटा।